खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। वरिष्ठ बीजेपी नेता गुलशन विरमानी हमारे साथ मौजूद हैं और आज जिस तरह से आप सभी को ज्ञात है कि बड़ौदा चुनाव की उठापटक जारी है, ऐसे में गोहाना एक ऐसा क्षेत्र है जिसका प्रभाव बड़ौदा पे जरूर पड़ता है, तो इसी विषय को लेके हम चर्चा करेंगे आज गुलशन विरमानी जी से। विरमानी साहब, बड़ौदा का उपचुनाव जिस तरह से नज़दीक है, जो भी नेता आता है वो सबसे पहले आपके पास आता है, मुलाकात करता है, उसके बाद रणनीति तैयार होती है, क्या मानते हैं गोहाना में जो बीजेपी के नेता हैं उनका प्रभाव बड़ौदा के चुनाव पर कितना अहम रहने वाला है? निश्चित रूप से, क्योंकि बड़ौदा हल्का के कम 5,000 वोट जो हैं वो गोहाना शहर में रेजिडेंट हैं। तो ये आप भी जाते होगे, लोगों से मिलते होगे, क्या हल्के की पुकार है और किस तरह से काम हो रहे हैं? अब लोग जाति पाति की राजनीति से उब चुके हैं, वो विकास चाहते हैं और वो, मैं कई गांव में गया हूँ, बुद्धिजीवी लोगों से मिला हूँ, वैसे भी लोगों से मिला हूँ, वो यही उनका मन है कि सरकार के साथ चलना है, क्योंकि सरकार के भी 4 साल बाकी हैं। अभी गठबंधन की सरकार है तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपने भी देखा कि जो जेजेपी एक बहुत अच्छा मार्जिन लेके यहाँ पे आई थी, क्या उम्मीद करते हैं कि जेजेपी की वोट क्या बीजेपी को सपोर्ट हो पाएगी? जेजेपी और बीजेपी दोनों मिलके 11 हो जाएंगे और निश्चित रूप से जब जैसे ही पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर होगा गठबंधन का, तो मुझे ये लगता है कि एक तरफा इलेक्शन होगा। गाँव में गए, क्या कुछ समस्याएँ दिखी आपको? देखो, समस्याएं तो कितना ही विकसित हो या पिछड़ा हो, समस्याएं तो होती हैं, लेकिन हमारी सरकार के नुमाइंदे खुद मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं जो भी ग्रामीणों की समस्या है उसको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज रहा, क्या लगता है उनके कार्यकाल में विकास हुआ? देखिए, हम किसी की आलोचना नहीं करते, हुड्डा साहब की आलोचना नहीं करते, किसी की आलोचना नहीं करते, हम तो अपना काम करके दिखाते हैं, हम क्या कर रहे हैं उसको, उनको लोगों को दिखाना है। गोहाना का मॉडल बड़ौदा पे अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल होगा। किस तरह से? जैसे ही बड़ौदा से प्रतिनिधि चुन के आएगा, हम सब मिल बैठ के बड़ौदा के विकास के लिए, जैसे हमने गोहाना में विकास किया है, इसी तरीके से बड़ौदा के हर गांव का विकास करने की हम कोशिश करेंगे। आपसे भी फीडबैक लिया जाता होगा, शीर्ष नेता जो हैं भाई किस तरह का माहौल रहने वाला, क्या समीकरण बनने वाले हैं, तो आपका क्या फीडबैक रहता है? देखिए, फीडबैक तो अभी कोई कैंडिडेट अभी आया नहीं है, पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया है। पहला फीड तो ये है कि हम प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, जो भी कैंडिडेट आएगा वो निश्चित रूप से जीतेगा। कैंडिडेट बताओ किस तरह का होना चाहिए बड़ौदा के, क्योंकि एक ये बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र है, ये पार्टी को देखना है, गठबंधन को देखना है, शीर्ष नेतृत्व में देखना है कि कौन सा कैंडिडेट उनको देना है। फिर भी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देख, क्वालिटीज़ तो जब प्रतिनिधि आएगा उसके अंदर है कि क्वालिटी होना चाहिए कि वो जनसेवक बन के काम करे। जैसे कई बार ये होता है कि बाहरी होना चाहिए, यहाँ का होना चाहिए, किस तरह का नेता होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए? ऐसा नेता होना चाहिए जो जनता के दुख सुख को देखे, उसके अंदर संवेदता होनी चाहिए, संवेदनशील होनी चाहिए, होना चाहिए वो आदमी, और पार्टी मुझे लगता है कि ऐसा ही आदमी लेके आएगी, कैंडिडेट लेके आएगी जिसके अंदर पार्टी के लिए और जनता के लिए सेवा भावना होगी। क्या मान के चल रहे हो हल्के का उम्मीदवार आना चाहिए? देखो, जनता की आवाज़ तो यही है कि हल्के का होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ गुलशन विरमानी जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं गोहाना में जो भी उठापटक होती है, विकास कार्य हुए हैं, उनका एक रोल मॉडल जो है वो बड़ौदा में भी अप्लाई होता है और आने वाले जो बड़ौदा का उपचुनाव है उसमें निश्चित रूप से जो है वो प्रभाव रहने वाला है। केएनएन मीडिया के लिए गोहाना से विजेंद्र लठवाल के साथ अरुण कुमार।